हमारे बड़े भाई को मार दिया जान से। आपको कैसे पता चला कि इन दोनों आरोपी हैं, जैसा कि बताया जा रहा है कि दो आरोपी हैं, आप कैसे कह सकते हो कि उन्होंने ही हत्या की है? अपने घर में ले जाके मारे, अपने घर में ले जाके मारे, अपने घर पे ले जाके मारे। मैं अभी यहाँ पहुंचा शासकीय चिकित्सालय भवन सरई के केंद्र पर। मैंने यहाँ कुछ लोगों से बात की जिनके परिजनों के इनके रिश्ते में बहने लगते हैं, पांडे यादव, जिनके भी मृत्यु हुई है। उन्होंने इस तरह से बात सामने लाया कि सरई चिकित्सालय के जो चिकित्सा प्रभारी हैं, इनकी इतनी बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। इस लापरवाही में स्वीपर के द्वारा उनके परिजनों से पैसे की मांग की जा रही थी कि आप अगर मुझे पैसे देते हैं तो जो भी मामला चाहोगे वो बन जाएगा। क्या उसको मार करके हत्या करके मृत्यु हुई है या फिर रोड के एक्सीडेंट का हुआ है, मैं उनसे बात करूंगा। क्या कहना है, क्या कैसे मामला आपके सामने आ रहा था? अरे वो बोल रहे थे कि भाई जो हम कहेंगे वही होगा। क्या कहेंगे? जैसे कि मतलब मर्डर हुआ है कि एक्सीडेंट हुआ है, मार के फेंक दिए हैं। ये किसके द्वारा बोला गया? ये जो चीरफाड़ करने वाला। फिर क्या आप लोगों ने उन्हें पैसे रुपए कुछ दी? फिर पैसे रुपए कुछ नहीं बोले हम भाई को, वो मारने वाला क्या है, वो तो खुद ही मर गया बेचारा। हाँ, और वो उनके माँ पिता उनके पास है ही क्या, वो क्या देंगे? ये कितने समय की बात है और कौन कौन था वहाँ पे? सुबह 9-10 बजे बाद। क्या डॉक्टर साहब उस समय हॉस्पिटल में बैठे थे? डॉक्टर साहब उधर साइड में थे। साइड में थे, मामूली बात थोड़ो है यार। हमारे जान मार देने के उसके तमाशा देखे, जब गलत बात है। आपको एक ताजे घटना से अवगत कराना चाहूंगा कि यहाँ पर एक पांडे यादव नामक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। उसी हत्या को लेकर के यहाँ शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए परिजनों ने लाश को लेकर के आए थे। अब यहाँ पे इनसे बात करते हैं, क्या पैसे की मांग की जा रही थी, किसने पैसे लिए, कितने पैसे लिए, बताइए। जो चीज फाड़ करता है वो 600 रुपया लिया। क्या बोला? हमको पैसा चाहिए। पैसा तो ये कितना दिया आपने? 600 हम बात करते हैं मृतक के चाचा जी से, उनसे जानते हैं कि उनका जब उनको शव देखे गए उनके द्वारा तो क्या कैसे शव की हालत थी, वो बताएंगे।